तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन। यहां से हम चलते हैं अपने प्यारे सफ़र की शुरुआत करते हैं और ये ब्लॉग बहुत प्यारा बनने वाला है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने वैष्णो देवी की जर्नी कटरा, न्यू दिल्ली टू कटरा। बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। हम से पकड़ने वाले हैं मेट्रो हुडा सिटी सेंटर से जाने वाले चांदनी चौक, बिकॉज मैं अकेला नहीं फैमिली के साथ जा रहा हूँ। मम्मी पापा बहन तीनों मेरा वेट कर रहे हैं स्टेशन में। मैं जाता हूँ और आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ और ये जर्नी बहुत स्पेशल बनने वाली है। पहले से इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हम पहुंच चुके हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से बढ़ते हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ बुक करते हैं। आपको दिखाते हैं जर्नी प्यारी सी खूबसूरत। प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चलो चलते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। फैमिली मेरी वेट कर रही है। लेट्स गो। पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। मम्मी डैडी को देखते हैं, बेटी घूम में है। ट्रेन चलने वाली है। वैष्णो देवी यात्रा करते हैं, शुरू करते हैं। जय माता दी। जय माता दी।
चुके हैं जम्मू कश्मीर में, आप देख सकते हैं। अरे ना मैं होटल में हूँ, या तो स्टेशन पे या फिर मैं आपके पास हो गया, मोटे के पास हो गया। गाइस अंदर जल्दी है ट्रेन, संघर्ष खत्म हो गया अपना, एक घंटे के बाद
गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी माता कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम चलते हैं करते हैं और आपको ठीक है। और स्टेशन पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत पहाड़ हमने वीडियो में देख लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। गाइस हम पहुंच चुके हैं सब लोग, चलते हैं यहाँ से। बीस पच्चीस पहाड़ से गुजरिए, फिर 80 मीटर तक और जाइए। अब हेलीकॉप्टर उड़ा दे रहा साहब, मजा आ गया अड़ी अरे मजा आ रहा है। वैष्णो देवी माता के यहाँ चलते हैं। तो माता रानी तक जाने के लिए आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। कार्ड के लिए आप रेलवे स्टेशन से बनवा सकते हो या फिर आप बस स्टैंड जा सकते हो, जो से यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। 2 किलोमीटर आप पैदल चल सकते हो तो चल सकते हो, क्योंकि हम तो पैदल जाने के सोच रहे हैं। बाकी आप ऑटो से भी जा सकते हो, कार्ड मैंडेटरी है तभी आपको एंट्री मिलेगी, याद रखना। इग्नोर करना, बातों का ध्यान देना। आप वहाँ से ले सकते हो लॉकर वॉकर और अपना सामान ले सकते हो। शुरू में आप रेलवे स्टेशन पे आओगे तो वहाँ पे आप मत घूमना, क्योंकि हम महंगा चार्ज करते हैं, 700-600 रुपये ले रहे हैं। टैंक के पास आपकी पर्ची बन जाएगी, मतलब जो एक कार्ड बनता है वैष्णो देवी वाला, वो बन जाएगा और आपको वहाँ पर रूम में मिल जाएगा 100 रुपये पर पर्सन। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। बस स्टैंड चल जाना, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है भैया हमें लेके जा रहे हैं, हमें अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं। लेट्स गो। यहाँ से चलते हैं, पहले हम रूम लेते हैं फिर हम कार्ड बनवाएंगे। ये गाइज आप देख सकते हैं रूम कितना साफ़ सुथरा हमें मिल चुका है। और इसका क्या प्राइस है, कितने का पड़ा और किस लोकेशन पर पड़ा है, क्या है इसका नाम, और वो आपको मैं व्लॉग में, आप बने रहिए, अब व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। रूम देखिए, सो गाइस हमने यहाँ पे रूम ले लिया है, 700 रुपये का हमें रूम पड़ा है, नॉन एसी। एसी वाला आप लेते हो थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, बट 700 से वो ज़्यादा दे रहा था तो हमने पैसे कम कराए, वो 900 कह रहा है, हमने 700 तक आए तब जाके हमें 700 का पड़ा है। आप ये रूम ले सकते हो, ये बस स्टैंड के पास आपको मिल जाएगा, होटल श्रुदर पैलेस, जैसे मैंने आपको बोर्ड भी दिखा दिया। और जो हमारा पेमेंट हुआ उसकी पर्ची मैं आपको सामने दिखा दूँगा अभी इसके बाद, ठीक है। और इस जगह को आप ध्यान रख लेना, मैं वीडियो शूट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, पास में ही जगह है और ज़्यादा दूर आपको पड़ेगा नहीं, सही लोग हैं और सही फैसिलिटी हमें मिल गई। सब कुछ था, एसी को छोड़ के पानी की सब फैसिलिटी थी, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है उन्होंने।
यहाँ पूरा मार्केट लगा हुआ है, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। खाने का भी सारा जुगाड़ है, अभी खा के हैं। जैसे मैं गाइज आपको बता दूँ, आपके सिम के नेटवर्क यहाँ पे नहीं चलेंगे, आपको जम्मू की सिम लेनी पड़ेगी। जम्मू की सिम के लिए दुकानें बहुत है, जैसे हम आपको शॉप दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से आप सिम ले सकते हो और चला सकते। जैसे यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारी दुकानें दी जाएंगी, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, आप सामान खरीद सकते हो। यहाँ पे मेवाएँ बहुत सस्ती होती हैं, ठीक है, तो आप मेवाएँ ले सकते हो। विशेषकर अखरोट जो होते हैं, वो अखरोट यहाँ फेमस होते हैं, तो आपको थोड़े से थोड़े पैसे में मिल जाएंगे, 100 रुपये किलो तक के मिल जाएंगे, ठीक है। और मार्केट देख सकते हो कितना प्यारा लगा हुआ है। तो यही था हमारा वीडियो का पहला पार्ट, पार्ट वन वैष्णो माता यात्रा का। पार्ट टू में कल वैष्णो माता की यात्रा स्टार्ट होगी सुबह। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बता देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जय माता दी लिख देना। सेकेंड पार्ट जल्दी आएगा। जय माता दी।